ये वीडियो के एंड में मैंने अपना मास्टर प्लान बताया जिसमें हम राका को एक मिनट में, मात्र एक मिनट में कैसे खत्म कर सकते हैं, और मूवी की तीन सबसे बड़ी गलती के बारे में बताया भाई, तो उसे बिल्कुल भी गलती से भी मिस मत करना। मेरी जेब से जब 1000 रुपए का नोट नीचे गिरता है तो मैं उसे उठाता नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि 1000 का नोट बंद हो चुका है और अब उसे उठाने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा लगा मेरा मजाक। कैरी ऑन। कौन है लैंड के मालिक? सर वो एक माँ और बेटा वहाँ पे रहते हैं सर। एक माँ और बेटा वहाँ पे रहते हैं सर। क्या जानकारी निकाला है भाई तू? एक माँ और बेटा नहीं, एक माँ और दो बेटे रहते हैं वहाँ पे, रोहित भी रहता है भाई। मतलब इधर भी नेपोटिज्म चल रहा है भैया, मेन आदमी का नाम बता दो, दूसरे वाले का नाम ही मत बताओ। नेपोटिज्म है। अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिर्फ अमन ही है, चारों तरफ कोई भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खाली है ग्राउंड। लेकिन वही ऊपर के एंगल से दिखाने पे ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए भाई? इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, सामने बच्चे भी है, कहाँ से आ गए? पहले तो थे ही नहीं। अभी अमन जब नीचे गिरता है तो नानचाक अमन के हाथ में ही है, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो हाथ से नानचाक गायब हो गया। और वही ऊपर के एंगल से दिखाने पे नानचाक तो यहाँ पड़ा हुआ है जो कि इसके हाथ में था। यहाँ पे अमन येलो सर्कल के ऊपर गिरा है, लेकिन वही ऊपर के एंगल से दिखाने पे येलो तो छोड़ो, पीछे एक सर्कल दिख रहा है वो भी रेड है। अभी अमन जब अंदर आते तो यहाँ सोफे के पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन एकदम से सोफे के पीछे ये प्रकट हो जाता है। भाई कहाँ से आया भाई? इसके चश्मे के अंदर से आधा किलो रेती गिरता है। नहीं मतलब क्या चश्मे के अंदर कोई पोटली दिखी है या फिर आंखों में दबा के रखा था रेती को? अभी राका के चश्मे को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एकदम से सर घुमाते ही भैया डंडी तो अपने अपन ही टूट गई। तो ये राका को गोली मारते हैं और ये गोली यहाँ पे आके लगती है, मतलब राका के 2 फीट ऊपर यहाँ पे आके लग रही है गोली। मतलब अगर राका इस बंदे को सामने नहीं भी करता तो भी राका को गोली वैसे भी नहीं लगनी थी, ऊपर से ही निकलनी थी। अभी राका ने मारा ही नहीं और ये पहले ही पलट रहे, तो राका इसे इतना मारता है कि इसे फ्लाइंग जेट की शक्ति मिल जाती है और साथ ही साथ ये वहीं पे बेहोश भी हो जाता है और इसे बहुत चोट भी लगी होती है। लेकिन जब ये अगले दिन सुबह उठता है तब भैया ये तो अपने घर में बेड में लेटा हुआ है। नहीं मतलब चल ठीक है, फ्लाइंग जेट की शक्ति इसे मिल गई तो चोट तो अपने आप ही ठीक हो गए, लेकिन भैया घर कौन लाया है इसे? अभी यहाँ पे बुक के बगल में बॉल पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही अमन बुक उठाने के लिए झुकता है बुक के बगल से बॉल गायब हो गया, और एकदम से जैसे ही खड़े होते हैं बॉल वहाँ पे वापस आ गया। यहाँ पे हर गोली अमन को ही क्यों लग रही समझ नहीं आ रहा है, रोहित को क्यों नहीं लग रही एक भी गोली? यहाँ पे इसकी बेबी इसको भी हाथ में चाकू मार देती है, लेकिन एकदम से थोड़ा समय बाद ही इसके हाथ से भी चाकू का निशान गायब हो गया। मतलब भाई ये भी है फ्लाइंग जेट, फिर तो इसके भी हाथ से चाकू का निशान गायब हो गया। अभी ये चाकू बिल्कुल ही सामने आके गिरा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से दिखाने पे उतना सामने नहीं होता, थोड़ा आगे खिसका हुआ होता है। अमन ने इसे मारा कान पे था, लेकिन इसके हाथों के निशान तो गाल पे हैं। अभी इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा गैप है देख लो, लेकिन अगले ही पल इन दोनों के बीच से गैप गायब हो गया। अभी फ्लाइंग जेट अंदर आया ही नहीं और ये लोग पहले ही उड़ रहे हैं। वाह, और पहले क्या बाद में भी क्यों उड़ेंगे ये लोग? मतलब वो कांच तोड़ के आ रहा है कोई, इन लोग को थोड़ी मुक्का मार रहा है जो ये लोग ही उड़ जाएंगे। अभी यहाँ पे हवा में चेक का कलर है नीला, लेकिन अगले ही पल इसका कलर हो चुका है नारंगी। वाओ, अभी यहाँ पे खिड़की से धूप निकल रही है, यानी कि यहाँ पे दिन है, सूर्य नमस्कार का टाइम हो रहा है, लेकिन अगले ही पल जो सीन दिखाया जाता है यहाँ पे तो रात चल रही है। वाओ, एंड लिटरली जो 1% लोग है जो कमेंट कर सकते हैं, नहीं नहीं मैं वो पेरेंट्स को दुआएं देने वाले कमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कि भाई फॉरेन कंट्री होगा तो पहले ही बता दूं कि ये सीन इंडिया का ही है। मतलब यहाँ पे फ्लाइंग जेट ने किया क्या? मतलब गाड़ियाँ तो पहले से साइड में ही है। तो बिल्कुल लाइव खबरें आप तक पहुंचाई जा रही है कि फ्लाइंग जेट के कंधे पे अभी एक कपड़ा है जो कि हवा में ही बीच में गायब हो जाता है, और जैसे ही फ्लाइंग जेट नीचे उतरता है कंधे पे कपड़ा वापस आ जाता है। बहुत गंदा स्टाइल था ये, बहुत गंदा, नेक्स्ट टाइम से नहीं बोलूंगा मैं। तो कीर्ति अभी लैंडस्केप पे वीडियो बना रही है, फिर अगले ही पल वो पोर्ट्रेट पे वीडियो बना रही है, फिर अगले ही पल वो लैंडस्केप पे वीडियो बना रही है, फिर अगले ही पल वो वापस से पोर्ट्रेट पे वीडियो बना रही है। कीर्ति की इस हरकत के बाद द फोन भी लाइक, ऐसा कैसे चलेगा दीदी? तो यहाँ पे अमन इसकी पीठ की मसाज कर रहे हैं, लेकिन भैया बेबे ने तो इसके कमर पे मारा था, पीठ पे तो मारा ही नहीं था। भाई इसने ऐसा क्या देख लिया कि इसको पता चल गया कि ये राका खड़ा है? मतलब भाई कोई भी हो सकता है, क्या पता एक बार के लिए उधर रॉक भी हो सकता है वहाँ पे, हो सकता है भाई। तो यहाँ पे फ्लाइंग जेट अपनी बेबे से बात कर रहा है और अपने कान पे उंगली रखे ओके भाई ऐसा बोल देता है, यानी कि उसने कान पे ब्लूटूथ पहन रखा है, लेकिन भैया यहाँ पे देखा जाए तो उसने कान पे तो कुछ पहन ही नहीं रखा है। वाओ, अभी हाथ के निशान और रस्सी के बीच में कितना गैप है ध्यान से देख लो, लेकिन अगले ही पल ये गैप काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और अगले ही पल ये गैप वापस से बढ़ जाता है। वाओ, अभी फ्लाइंग जेट जब यहाँ से जा रहा होता है तब ये पूरा ही गीला हो चुका होता है, लेकिन वही जब ये जमीन पे लैंड करता है तब भैया ये तो पूरा ही सूखा हुआ है। तो भैया बीच में जब गाना आता है तब फ्लाइंग जेट का पूरा कॉस्ट्यूम ही चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कॉस्ट्यूम में ये जो येलो कलर का साइन है वो छपा हुआ है, बट एक्चुअल कॉस्ट्यूम में वो साइन छपा हुआ नहीं है। Oh, and you can meet my best friend, Aman.
कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं। मतलब क्यों भाई, बोल देता ना हाँ प्रॉब्लम है, मेरे को दुनिया को बचाना होता है, पिकनिक में घूमने के लिए सुपर हीरो तो बना नहीं हूँ मैं, लेकिन नहीं। वाहे गुरु, मेरा डर सही था, वो धोखेबाज निकला, उसे शक्ति कपूर की बेटी से प्यार हो गया। अरे तो शक्ति कपूर की बेटी ऐसा क्यों देख रही है यार, मतलब वो सामने श्रद्धा कपूर है यार, मतलब बनता है यार। अमन? ओहो, मतलब इसको बोलते हैं 100x ऑप्टिकल फिजिकल फलाना डिमक्कल, जो भी जूम होता है आंखों में लेके घूमना। नहीं मतलब यहाँ से यही नहीं दिख रहा कि सामने बंदा है कि बंदी, लेकिन इसको ये भी पता चल गया कि सामने अमन है। वाह, राका फ्लाइंग जेट को बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकता है, लेकिन जैसे ही फ्लाइंग जेट यहाँ से बाहर निकलता है वो यहाँ से टेढ़ा उड़ के जा रहा है। नहीं मतलब जिस तरह से राका ने इसे फेंका था, इसको बिल्कुल सीधा ऊपर निकल जाना चाहिए था। अभी वैन का ये वाला गेट बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन अगले ही पल वो वाला गेट वहां से गायब हो गया। ये फ्लाइंग जेट के उड़ने का साउंड इफेक्ट सुना आपने? मतलब बैकग्राउंड में प्लेन उड़ने का साउंड इफेक्ट डाल दिया है। वाह, मतलब अगर यहाँ पे आंख बंद कर लेंगे तो पता ही नहीं चलना है कि प्लेन उड़ रहा है कि फ्लाइंग जेट उड़ रहा है। फ्लाइंग जेट इसे खिसकाते खिसकाते लाते और पीछे सड़क में निशान बनाते जाता है, लेकिन जैसे ही ये राका को उठाता है पीछे से निशान गायब हो जाता है। निशान कहाँ गया भाई? और फ्लाइंग जेट इसे बहुत लंबा खिसकाते हुए लाया था, लेकिन यहाँ पीछे तो कारें पड़ी है। अभी फ्लाइंग जेट के पीछे एक सफेद कार दिख रही है हमें, लेकिन एकदम से जब राका फ्लाइंग जेट को उठा के पीछे की तरफ फेंकता है तब पीछे से वो कार गायब होकर ये पोस्टर आ जाता है। नहीं मतलब वाह भाई, कहाँ से आया? और एक ही नहीं, एक दो तीन चार, चार पोस्टर आ जाते हैं भाई। यहाँ पे ये सारी कारें हवा में उड़ जाती है, लेकिन बगल में ये जो कचरे का डब्बा पड़ा है ये तो हिलता ही नहीं भाई। अमन को पूरे शरीर में इतना खतरनाक चोट लगता है और ये लोग उसका पूरा इलाज घर पे ही करते हैं, जबकि इन्हें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए भाई। ओहो, शर्ट गंदा हो गया, कोई नहीं अभी साफ हो जाएगा। जाग गई मम्मी? तो राका फ्लाइंग जेट को हवा में उड़ा के ले जाते हैं और हवा में ले जाके उसे छोड़ देता है। नहीं क्या मतलब भाई, मतलब फ्लाइंग जेट को उड़ना आता है, वो गिरते गिरते उड़ के चले जाता है तो क्या करता तू? हाँ वो अलग बात है कि ये असली वाला फ्लाइंग जेट नहीं है, लेकिन इसको कौन सा मालूम है। तो यहाँ पे ये बच्चा राका को जोरदार घूसा मारता है और राका फेंका भी जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि इस बच्चे के पीछे फ्लाइंग जेट खड़ा था। नहीं मतलब ये क्या है भाई, मतलब किसी बंदे के पीछे फ्लाइंग जेट खड़ा होगा तो सामने बंदे के पास फ्लाइंग जेट वाली पावर आ जाएगी क्या? मतलब मेरे पीछे फ्लाइंग जेट खड़ा होगा तो मेरे पास फ्लाइंग जेट वाली पावर आ जाएगी? और अगर ऐसा है भी तो राका के सामने 10 बंदों को खड़ा करो, उसके पीछे फ्लाइंग जेट को खड़ा कर दो, 10 लोग मिलके राका को मारेंगे तो राका वैसे ही मर जाएगा भाई। नहीं मतलब यहाँ पे तो बोनस लेके रहूंगा मैं, बहुत खतरनाक था ये। अभी बेबे के पीछे कीर्ति खड़ी हुई है, लेकिन अगले ही पल पीछे से कीर्ति गायब हो गई। मैं इतना देर से एक चीज सोच रहा था कि फ्लाइंग जेट राका को इतना खतरनाक मारे पड़ा है, घसीट घसीट के मारता है, लेकिन राका के चोट क्यों नहीं लग रही है? नहीं मतलब चल ठीक है, राका का चोट भी अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए पहले चोट लगती है, चोट लगती है और 2-3 सेकंड बाद हील होता है, लेकिन राका के तो कहीं से खून नहीं निकल रहा, कुछ नहीं हो रहा है। अभी राका के पीछे यहाँ पे अच्छा खासा निशान बन जाता है, लेकिन अगले ही पल पीछे से वो निशान गायब हो जाता है। और इतना ही नहीं, पहले यहाँ इसके पीछे कुछ लिखा हुआ भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल इसके पीछे कुछ चाइनीज जापानीज में कुछ लिखा है, पता नहीं मेरे को। अब ये क्या है भाई, नहीं मतलब क्या मतलब हुआ ये करने का? और एक तो पूरी मूवी में मैं पहली बार इसे ऐसा करते हुए देख रहा हूँ, जिसका क्या मतलब है मेरे को समझ ही नहीं आया। तो अगर आप मेरे लास्ट 4-5 वीडियोस देखे हो तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मैं वीडियो के एंड में पिक्चर की सबसे बड़ी गलती बताता हूँ, और इस वीडियो में मैं फ्लाइंग जेट मूवी की एक नहीं बल्कि 3-4 सबसे बड़ी गलतियां बताने वाला हूँ, और सबसे बड़ी गलती में मैं बोनस पूरे हक से ऐड करता हूँ, आपको पता ही। तो ये मूवी स्टार्ट होती है जिसमें मल्होत्रा एंड कंपनी को एक लैंड खरीदने की नीड आती है ताकि उनके ट्रक्स का ट्रैवल टाइम कम हो सके, और इसके लिए वो लोग बेबे, रोहित और अमन जिस सोसाइटी में रहते हैं उस लैंड को चुनते हैं, और वो उस लैंड को खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बेबे उस लैंड को बेचना नहीं चाहती है, और उन्हें ये लैंड इसलिए चाहिए होती ताकि वो उस लैंड से अपने फैक्ट्री तक एक ब्रिज बना दे पानी के ऊपर, ताकि उनके ट्रक्स का ट्रैवल टाइम कम हो जाए। लेकिन भाई आपको यही लैंड क्यों खरीदना है? नहीं मतलब आप इस पिक्चर को देखो, ये है बेबे की सोसाइटी और इसके बगल में कितना सारा एरिया खाली पड़ा है भाई, आप उनमें से कोई लैंड ले लो ना, आपको यही वाला लैंड क्यों खरीदना है? जबकि ये लोग इस लैंड को खरीदने के लिए बिल्कुल डबल पे करने को तैयार हो जाते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये लैंड 10 करोड़ की है तो ये लोग उसके लिए 20 करोड़ भी देने को तैयार है, लेकिन क्यों भाई? इतना जगह खाली पड़ा है, आप वहां से कोई सा भी लैंड ले लो ना, यही लैंड क्यों लेना है आपको? और बाकी सब लैंड लेना भी इन मल्होत्रा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बताता है कि वो छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया में कोई
पूरा का पूरा जंगल खरीद लिया, तो भाई वो सब लैंड तो वैसे ही खाली पड़े हैं, और बल्कि उन सब लैंड के लिए आपको डबल पे करने की भी जरूरत नहीं है। और ये इन लोग का प्लान होता है कि हम इस तरह से ब्रिज बनाएंगे वो लैंड खरीद के, लेकिन भाई आप थोड़ा बगल वाला लैंड लेके थोड़ा ऐसे ब्रिज बना दो। तो भाई एक सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई। दूसरा ये कि फ्लाइंग जेट के पास एक बहुत सही वाली पावर आ जाती है जिसको ये लोग बिल्कुल ही मजाक में ले लेते हैं। मतलब फ्लाइंग जेट के पास एक ऐसी पावर आ जाती है जिसमें वो जिस भी चीज को छूता है उस चीज की ताकत फ्लाइंग जेट में आधा एक मिनट के लिए आ जाती है। जैसे यहाँ पे फ्लाइंग जेट सनी लियोनी की सीडी छू देता है तो वो सनी लियोनी बन जाता है, वायलिन की बुक छू देता है तो उसको वायलिन बजाना आ जाता है, माइकल जैक्सन की बुक छू देता है तो उसको माइकल जैक्सन की तरह डांस करना आ जाता है। और अगर दिमाग लगाया जाए तो इस पावर का बहुत सही यूज कर सकते हैं अपन। मतलब जब भी राका से लड़ने जा रहे तो कोई ऐसे व्यक्ति का पोस्टर छू दो, फॉर एग्जांपल हल्क का पोस्टर छू दो भाई, फिर जाके राका से लड़ो, राका जीत गया तो मेरा नाम बदल देना। और भाई ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताया हूं, हल्का अगर दिमाग लगाया जाए तो बहुत सही यूज कर सकते हैं इस पावर का। और उस पोस्टर को आप अपने छाती में चिपका दो और हर 30-40 सेकंड में छूते रहो। और तीसरी सबसे बड़ी गलती ये कि फ्लाइंग जेट के पास एक और बहुत कमाल की पावर आ जाती है जिसमें वो पूरी दुनिया को फ्रीज करके जो चाहे वो कर सकता है। मतलब अगर आपने मूवी देखी है तो आपको ये वाला सीन बहुत अच्छे से याद होगा जिसमें यहाँ पे फ्लाइंग जेट पूरी दुनिया को फ्रीज कर देता है और इनको जैसे चाहे वैसे मारता है। तो वैसे ही राका से लड़ने टाइम आप पूरी दुनिया को फ्रीज कर दो और जैसे चाहे वैसे राका को मारो, यार बहुत आसानी से जीत सकता था फ्लाइंग जेट। तो यहाँ पे मैं आपको तीन सबसे बड़ी गलतियां तो बता दिया, लेकिन अब फ्लाइंग जेट के सभी पावर्स को मिला के हम राका को कैसे खत्म कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्लाइंग जेट यहाँ पे एक प्लान बना सकता है जिसमें वो पहले 10-15 लोगों से बात करेगा, उनको पहले से बताएगा कि मैं राका के सामने जाके पूरी दुनिया को फ्रीज कर दूंगा और तुम लोग को राका के सामने खड़ा कर दूंगा। दुनिया को अनफ्रीज करने से पहले मैं हल्क का पोस्टर छू दूंगा, इससे मेरे अंदर हल्क की पावर आ जाएगी, और क्योंकि मैं तुम लोग के पीछे खड़ा होऊंगा तो मेरी पावर तुम लोग के पास आ जाएगी, और मैंने हल्क को छुआ तो इनडायरेक्टली हल्क की पावर भी तुम लोग के पास आ जाएगी। फिर जैसे ही मैं दुनिया को अनफ्रीज करूंगा तुम सब लोग मिलकर राका को एकदम जोरदार घूसा मारना, और बस प्लान यही समाप्त होता है। तो भाई मेरा प्लान कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताना, इतना खतरनाक दिमाग लगाया मेरे को अपने ऊपर गर्व हो रहा है। राका खत्म था भाई अगर ऐसा ये लोग किए होते तो। और ये बोनस तो ऊपर ही रह गए भाई, इनको मैं पहले ऐड कर लूं। तो भैया यही समाप्त होती है वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिस्टेक काउंटर ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। अब जाके सही में ऐसा लग रहा है कि 500 के हुए हैं।